रुक रुक के ना देख, 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 रुक रुक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप, देख बिना ब्रेक। देश के जाने माने वकील राजीव धवन, इन्हीं के कंधों पर थी विवादित जमीन पर बाबरी मस्जिद का दावा मजबूत करने के लिए यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की पैरवी। धवन पूरी सुनवाई के दौरान अकेले हिंदू पक्षकारों से कानूनी लोहा लेते नजर आए। राजीव धवन ने कहा, विवादित स्थल पर 1528 में जब से मस्जिद बनी है सिर्फ मुसलमानों का ही अधिकार रहा है। मस्जिद हमेशा मस्जिद ही रहती है, इसीलिए 6 दिसंबर 1992 को गिराए जाने के बाद भी वो मस्जिद ही है। सुनवाई के दौरान उन्होंने हाईकोर्ट के एएसआई से खुदाई कराने के आदेश का भी विरोध किया। धवन ने कोर्ट से ये भी कहा कि अगर वैकल्पिक मांग पूछा गया तो उनकी यही मांग होगी कि वहां 5 दिसंबर 1992 की स्थिति बहाल की जाए, यानी दोबारा मस्जिद बनाई जाए। अपनी दलीलों में धवन ने ऐतिहासिक दस्तावेजों का भी हवाला दिया। मसलन 1857 के बाद के रिकॉर्ड जिसके मुताबिक ब्रिटिश हुकूमत ने मुसलमानों के अधिकार को वहां मान्यता दी थी। सुन्नी वक्फ का पक्ष रखे हुए राजीव धवन ने कहा कि पूजा का अधिकार मतलब मालिकाना हक नहीं है। उन्होंने एक उदाहरण देते हुए कहा कि अगर किसी को मैं अपने घर हाथ धोने की इजाजत दे दूं और वो 5 बार रोजाना हाथ धोने आए तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरे घर का मालिक हो जाएगा। कि मुस्लिम्स ने अपना केस जो सुप्रीम कोर्ट के सामने इलाहाबाद हाईकोर्ट सामने सेटअप किया था वो ये था कि ये जमीन बाबर ने बनवाई वहाँ पे मस्जिद और बाबर के आदेश से वहाँ पे मस्जिद बनी। हमारा कहना यह है कि ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं है जिससे साबित हो सके कि वहाँ पे कोई वैलिड वक्फ क्रिएट किया गया था, और इस्लामिक लॉ में बहुत सेटल्ड है कि कोई भी मस्जिद होने के लिए वक्फ होना जरूरी है। धवन की दलीलों पर कोर्ट ने कई सवाल पूछे तो वो एक बार झल्ला भी गए। उन्होंने कहा कि इस केस में कोर्ट मुझसे ही सवाल पूछता है, हिंदू पक्ष से नहीं पूछता। यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की दलील कानूनी सवालों और ऐतिहासिक रिपोर्ट पर केंद्रित रही। मुस्लिम पक्षकार एक बात हमेशा कहते रहे कि ये कानूनी मसला है। हमारा तो यही साफ कहना है, चाहे वो हिंदू पक्षकार हो चाहे मुसलमान पक्षकार हो, लोग यही कहते हैं कोर्ट अपना फैसला दे, लोग आपस में बैठ जो है उसको माने। जब कोर्ट फैसला दे देगा, फैसला चाहे जिस तरफ का हो, जब आदमी कोर्ट गया है तो कोई जीतेगा कोई हारेगा। हम तो साफ कहते हैं कोर्ट फैसला दे, हम मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन जिस तरह से अयोध्या की खुदाई से मिले सबूतों को मुस्लिम पक्षकार खारिज करते रहे उससे एक बात तो साफ है, हर पक्ष अपने कम्फर्ट जोन में रहना चाहता है। वैसे भी यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के लिए ये मुकदमा अहम है क्योंकि उन्हें डर है कि अगर फैसला बाबरी मस्जिद के खिलाफ गया तो बाकी कई विवादित स्थलों पर मुकदमों के दरवाजे खुल जाएंगे। संजय शर्मा, दिल्ली।